वालेकुम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ FIA इंटरव्यू से रिलेटेड। ये वीडियो है मेरी आज की जिसमें मैं बात करूँगा कॉन्स्टेबल का, इसमें यानी कि मेरिट वगैरह क्या बना है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इस तरह की और वीडियोज़ पहुँचते रहें। और साथ में मुझे फेसबुक पर भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन वगैरह करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और साथ में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कॉन्स्टेबल का जो इसका मेरिट है वो काफ़ी टिपिकल मेरिट बना है, यानी कि इस तरीके से नहीं है कि हर जगह का एक ही मेरिट बनाया। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि जो कि बड़ी सिटीज़ हैं जिस तरह के लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, कोयटा हो गया, या जिस तरह सिंध की सिटीज़ हैं कराची वगैरह, अब यहाँ पर मेरिट नॉर्मली जो बड़ी सिटीज़ होती हैं, जिस तरह मैं सिंध की आपको मिसाल देता हूँ कि जो रूरल एरियाज़ हैं, सही है सिंध रूरल और अर्बन दो में डिवाइड है, जिसमें जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें नॉर्मली मेरिट कम बनता है, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं जो शहरी इलाके हैं उनमें नॉर्मली मेरिट ज़्यादा बनता है। अब इस तरीके से कई जगह लोगों को 30 पे 35 पर इंटरव्यू की कॉल आई है, लेकिन कई जगह नहीं भी आई। अब इस तरीके से हो सकता है जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर तकरीबन 30 तक एटलीस्ट मेरिट बना है, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं जो शहरी इलाके हैं जिस तरह लाहौर वगैरह हो गया या बड़े शहर जो हैं वहाँ पर मेरिट ज़्यादा बना है। इनकेस जिस तरह कराची को ही आप ले लें, अब कराची में 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है कराची, अब उसमें हो सकता है कि मेरिट ज़्यादा बनाओ, लेकिन नॉर्मली अगर जो छोटे शहर हैं या फिर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर मेरिट एटलीस्ट 30 तक या उससे कम बना है। अब यही होता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि यार मतलब कि हमारे दोस्त के 26 मार्क्स हैं या 27 मार्क्स हैं, जो भी लोगों के कॉमेंट्स थे मतलब कि उनको इंटरव्यू की कॉल वगैरह आई है, और हमारे 30 हैं या 31 हैं लेकिन हमें इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। अब मैं आपको समझा दूँ कि लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। अब जिस तरह कि आप फिलहाल रनिंग से रिलेटेड ही देख लेंगे, काफ़ी सारे लोग थे जिसको 35 पर भी मतलब रनिंग के लिए नहीं बुलाया गया, एटलीस्ट 33 पर भी 32 पर भी, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिनको रनिंग के लिए बुला लिया गया अपना टेस्ट के बाद, कि जिनसे रनिंग ली गई एटलीस्ट वो किसी के 26 थे, 22 थे, 28 थे। तो इस तरीके से ही होता है, अब इस तरीके से इसका इंटरव्यू का भी मेरिट बना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके काम आई होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं या जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं जॉब्स रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूँ डेली एक दो, तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और साथ में अगर आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।